फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ओट्स का बेल। बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत ही चटपटा, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ओट्स बेल बनाने के लिए सबसे पहले बना रहे हैं हम ओट्स का नमकीन, जिसे आप स्टोर करके रख सकते हैं आपके इवनिंग स्नैक्स के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ली हुई है एक कढ़ाई, जिसमें हम डाल रहे हैं एक कप रोल्ड ओट्स। ये इंस्टेंट ओट्स हैं, इन्हें बस अब रोस्ट करना है। हमने और कुछ नहीं डाला हुआ है, ऑयल बटर कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें बस रोस्ट करना है, घुमाते रहना है, करीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। आपके ये जो ओट्स हैं ये थोड़े क्रिस्प हो जाएंगे और थोड़े से हल्के से ब्राउन हो जाएंगे। तो ये हमारे ओट्स देखिए रोस्ट हो चुके हैं। अब डाल रहे हैं इसमें मुरमुरे, जो कि आधा कप है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो। इसे भी हल्के से मिक्स करना है। मुरमुरे भी हैं जो वो थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे। ये रोस्टिंग करनी है बस 2 से 3 मिनट और ये बेल के लिए रेडी हो गए। चलिए अब ग्राउंडनट को रोस्ट करते हैं। अगर आपके पास रोस्टेड ग्राउंडनट है तो आपको ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमने कुछ 1 टेबलस्पून ग्राउंडनट लिया हुआ है, जिसे हम कढ़ाई में रोस्ट कर रहे हैं। हम इसे 1 टीस्पून ऑयल में रोस्ट कर रहे हैं। ग्राउंडनट के ब्राउन होते ही इसमें हम डाल रहे हैं मुरमुरे और ओट्स का मिक्सचर। अब इसमें डालेंगे नमक, उसे डालिएगा स्वाद के अनुसार। इस मिक्सचर को 3 से 4 मिनट तक ऐसे पकने देना और घुमाते रहना, ताकि ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। अब इसमें डाल रहे हैं टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर या हल्दी है हमारा जस्ट 1/4 टीस्पून। इसे करना है अच्छी तरह से मिक्स। और अब इसे एक बोल में कलेक्ट कर लेना है, जिसमें हम बाकी की मिक्सिंग करेंगे भेल बनाने के लिए। तो बेल बनाने से पहले हम इस मिक्सचर को पहले ठंडा होने देंगे। और वैसे आप इस मिक्सचर को ठंडा करके एक एयरटाइट डब्बे में अगर भर के रख देंगे तो आप इसे रख सकते हैं नमकीन की तरह। आप शाम को इसे नमकीन की तरह खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी स्नैक बन जाता है। बस अब हमें सब कुछ इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। सबसे पहले हमने डाला है इसमें चेवड़ा, या जिसे फरसान भी कहते हैं। और अब डाल रहे हैं इसमें एक छोटी सी मिर्ची, जो कि पिसी हुई है। अगर आप बहुत तीखा खाते हैं तो आप ये ज़्यादा डाल सकते हैं, या तो आप रोस्ट करते वक्त लाल मिर्ची डाल सकते हैं। ये डाला है इसमें हमने प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज जो फाइनली चॉप्ड है। और डाल रहे हैं टमाटर, ये एक टमाटर है मीडियम साइज़ का। और अब डाल रहे हैं धनिया, ये फ्रेश कोरिएंडर लीव्स हैं, जो कि है करीबन 2 टेबलस्पून। और अब डाल रहे हैं पुदीना, जो कि है 1 टेबलस्पून। और अब डालें ज़रा सा और नमक, आप काला नमक भी डाल सकते हैं, पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और अब डालें इसमें चाट मसाला, जो कि है जस्ट 1/4 टीस्पून। ये जा रहा है इसमें नींबू, एक छोटे साइज के नींबू का आधा हिस्से का हम जूस डाल रहे हैं। बस इसमें हमें जो भी डालना था ऑलमोस्ट सब चला गया। इसे बस अच्छी तरह से करना है मिक्स एंड आपका ओट बेल इज रेडी टू बी ईटन। तो ये बन गया हमारा सूखा बेल। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वेट बेल पसंद करते हैं तो आपको इसमें इस वक्त चटनी डालनी चाहिए। हम इसमें फिलहाल डाल रहे हैं ग्रीन हरी चटनी, जो कि हमने इस बेल के लिए बनाई हुई है। बस इसे मिक्स करना है, थोड़ा सा और शेप डाल रहे हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस बेल। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? ये बहुत ही सिंपल है और बड़ी जल्दी बन जाता है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।